Hello everyone, welcome to my channel. Today's question is, a well with 10 meter inside diameter is dug 14 meter deep. Earth taken out of it is spread all around to a width of 5 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. So what we have to do in this question? So first of all, see what is given in the question. So aapke paas diya hai ek well like this. जिसका डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर गिवन है दैट इज 10 मीटर. आपको वेल की डायमीटर गिवन है दैट इज 10 मीटर एंड प्लस आपको बोला है दैट इट इज़ डग 14 मीटर डीप. 14 मीटर डीप तक उसको डग किया गया, यानी कि अगर ये तो हो गया वेल का लेटरल व्यू, अगर सॉरी ये हो गया टॉप व्यू. अगर हमें लेटरल व्यू से देखें तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा एंड इसे 14 मीटर डीप तक ऐसे डिप डक किया जाता है. सो व्हाट वी हैव, इसकी हाइट हो गई 14 मीटर. ठीक है, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर. इससे जो अर्थ निकाली जाती है, यानी कि ये जो अर्थ इधर से निकाली गई, ओके, ये सारा का सारा जो है स्प्रेड कर दिया जाता है अराउंड द वेल. वेल के अराउंड स्प्रेड कर दिया जाता है, ओके, वेल के अराउंड स्प्रेड कर दिया जाता है टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर. सो टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट, सो जो बन जाता है ये एक एम्बैकमेंट, लाइक एक एम्बैकमेंट की तरह ये है बन जाता है एम्बैकमेंट बनाने के लिए. सो अब हमें हाइट ऑफ एम्बैकमेंट फाइंड करनी है. सो सबसे पहले एक चीज़ देखो कि आपको पता है वेरी वेल, आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ओके. सो बेसिकली आप ये पाई आर स्क्वायर है क्या? पाई आर स्क्वायर बेसिकली एरिया है. एरिया किसका? सो हम लिख सकते हैं ए पाई आर स्क्वायर की को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं एरिया, एरिया इंटू एच, यानी कि हाइट. सो इधर हाइट की वैल्यू क्या निकल जाएगी? हाइट की वैल्यू निकल जाएगी वॉल्यूम अपॉन एरिया. सो दिस इज इक्वल टू हाइट. सो इसी चीज़ को, इसी वॉल्यूम अपॉन एरिया को यूज़ करके हम हाइट की वैल्यू निकालेंगे, हाइट ऑफ एम्बैकमेंट निकालेंगे. सो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि क्वेश्चन में गिवन था ये जो हमारे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था ये जो डग आउट किया गया है ना अर्थ मैटर, ये अर्थ डग आउट किया गया है और इसको कहाँ पे, इसको बाहर निकाल के इधर, इसको बाहर निकाल के इधर हमने कर दिया है क्या, स्प्रेड कर दिया अराउंड द, ये इधर इसको बाहर निकाल के स्प्रेड कर दिया गया है अराउंड द वेल. ठीक है, यही मैटर जो है इसको बाहर निकाल के स्प्रेड कर दिया गया है अराउंड द वेल. सो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मैटर है, ये जो मैटर है ये इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम तो एक ही है क्योंकि एक ही अर्थ मैटर, यही अर्थ मैटर को हमने इसके अराउंड स्प्रेड कर दिया है, स्प्रेड कर दिया है. सो वॉल्यूम तो एक ही रहेगा. सो वॉल्यूम हम ऐसे निकाल सकते हैं. सो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे सो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस एम्बैकमेंट. सो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. क्लियर? एंड पाई क्या है? पाई इज 22/7 इंटू आर क्या है? सो सी हियर, आर किसका? वेल का. सो हमें डायमीटर आर की दी रखी थी तो फिर इसका जो रेडियस है वो 5 मीटर हो जाएगा, उसका हाफ. सो इससे हम क्या करेंगे, 5 इंटू एच इज 14. यू कैन सी हियर एच इज 14. सो अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर. सो वी विल गेट
1100 मीटर क्यूब. डन. सो अब हम इसका एरिया निकालते हैं. टू फाइंड द एरिया हम क्या करेंगे, सी हेयर. टू फाइंड द एरिया इस सर्कल को देखो. टू फाइंड द एरिया हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू फाइंड द एरिया ऑफ एम्बैकमेंट. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो टू फाइंड द एरिया ऑफ एम्बैकमेंट हम क्या करेंगे, ये जो सर्कुलर रीजन है, लाइक दिस इज द सर्कुलर रीजन, ये जो बड़ा सा जो बना है अराउंड द वेल, सो ये इसके एरिए से, इस पूरे के एरिए से हम जो बीच का वेल है उसके एरिए को माइनस कर देंगे. सो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास इस एम्बैकमेंट का एरिया आ जाएगा. यस. सो हम जल्दी से इसके एरिया को भी फाइंड कर लेते हैं. सो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ एम्बैकमेंट. एम्बैकमेंट का एरिया इज इक्वल टू, अब देखो एरिया क्या है, बड़े वाले के एरिया को, यानी कि बड़े वाले के एरिया कैसे निकालेंगे, उसके एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का एरिया, यानी कि वो वेल का एरिया, सो दैट इज़ पाई आर स्क्वायर. सो पाई को कॉमन ले सकते हैं, पाई को कॉमन लेकर और 22/7. तो ये जो बड़ा वाला आर है, यानी कि कैपिटल आर है, ये जो पूरे सर्कुलर, इसका रेडियस की वो वैल्यू कितनी होगी, तो हमें गिवन है दैट इस पूरे का जो जो वेल है उसकी रेडियस है 5 मीटर और एम्बैकमेंट की विड्थ है 5 मीटर. तो 5 + 5 = 10. सो हमारी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 10. सो 10 square, यस 10 square माइनस, और छोटा वाला क्या है, यानी कि वेल का रेडियस, वी नो 5 square, 5. ओके. सो फर्दर वी सॉल्व इट, वी विल गेट 75. सो अब हमें इसका एरिया भी पता चल गया एंड वी नो द वॉल्यूम ऑल्सो. सो अब हम फर्दर इसका हाइट फाइंड कर लेंगे. सो वॉल्यूम, सॉरी, सो हाइट ऑफ एम्बैकमेंट is equal to volume of earth dug out upon area kiska of the embankment. So isse ab hum find kar lenge. Now it's very easy to find the height. So volume hamara aaya tha 110 aur जो एरिया है दैट इज़ 22/7 इंटू 75. सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट 1100 अपॉन 22 इंटू 75 इंटू 7. सो नाउ ये 22 5 50 एंड ये फिर 25 की टेबल से 25 2 50 एंड 25 3 75. सो 7 2 14, पाई 5 आया हमारे पास, 14/5. नाउ 14/5 को फर्दर सॉल्व करोगे सो अप्रॉक्सीमेटली आंसर 4.66 मीटर. सो दिस इज योर हाइट. सो हैंस हाइट ऑफ embankment is equal to 4.66 meter. Okay, so thank you and please subscribe to my channel if you understood this question, the answer. Thank you.